वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों व किसान भाइयों को राम राम। दोस्तों आज की वीडियो है जोंडियर 5405 4x4 के अंदर आने वाले ट्रैक्टर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही शानदार बिल्ड क्वालिटी के साथ आने वाला एक ट्रैक्टर है। 4x4 के अंदर इस ट्रैक्टर की लुक बहुत ही लाजवाब है। 11.25 लाख रुपए की प्राइस रेंज के अंदर आने वाला यह ट्रैक्टर है। दोस्तों यहां पर आपको ड्यूअल एक्टिंग स्टीयरिंग मिल जाता है, वाटर सेपरेटर मिल जाता है और ये ट्रैक्टर 3 सिलेंडर के साथ आता है दोस्तों, 63 हॉर्स पावर के साथ। 4x4 को कनेक्ट करने के लिए नीचे जो आप रोड देख सकते हैं, फुली सेफ्टी के साथ यहाँ पर यूज की गई है। दोस्तों 12 और 4 गियर के साथ ये ट्रैक्टर आता है, 12 फॉरवर्ड और 4 रिवर्स गियर के साथ। इस ट्रैक्टर में आपको सीट और हैंडल एडजस्टेबल मिलेंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको टायरों के अंदर वेट नहीं मिलेगा और वैसे ही ये ट्रैक्टर बैक से काफी हैवी है। 16 केज में आपको बैक टायर मिल जाएंगे दोस्तों। और यहाँ पर ट्रैक्टर में मडगार्ड वगैरह काफी हैवी सिस्टम यूज किया गया है। 2000 केजी की इसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी है दोस्तों और 68 लीटर का डीजल टैंक है। ड्यूअल डिस्ट्रीब्यूटर आपको डंपर कंट्रोल करने के लिए यहां पर देखने को मिलेगा। अगर पीटीओ की बात की जाए तो दोस्तों इकोनॉमिक पीटीओ के साथ आपको इसमें 540 चक्कर वाला पीटीओ मिल जाता है जो कि रिवर्स के साथ मिलेगा। नीचे से ग्राउंड क्लियरेंस भी बहुत अच्छा है इस ट्रैक्टर का। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, इस ट्रैक्टर का बैक एक्सल काफी हैवी बनाया गया है जो कि एपीआई टेक्नोलॉजी इसके अंदर यूज की गई है। उसके साथ पीछे का पूरा सिस्टम काफी हैवी है दोस्तों। यहां पर लाइटें आप देख सकते हैं, काफी अट्रैक्टिव लाइटें लगाई गई हैं। उसके साथ एक छोटा सा टूल बॉक्स आपको यहां पर देखने को मिलेगा। दोस्तों इस ट्रैक्टर में आपको ड्यूअल क्लच देखने को मिलेगी, प्लेन प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगा और सिंक्रोमैस गियर टेक्नोलॉजी का इसके अंदर यूज किया गया है। 11.25 लाख रुपए की प्राइस रेंज के अंदर दोस्तों ये ट्रैक्टर। यहाँ पर ऊपर बैठने के लिए आपको अच्छी जगह मिल जाती है साइडों में बैठने के लिए और बीच से काफी खुला यहाँ पर आपको स्पेस देखने को मिल जाता है। यहाँ पर अगर पंप की बात की जाए तो दोस्तों इनलाइन पंप का यूज किया गया है इस ट्रैक्टर के अंदर। दोस्तों इस ट्रैक्टर के अंदर अगर ब्रेक्स की बात की जाए तो यहाँ पर मल्टी डिस्क ऑयल इमिस्ट ब्रेक का यूज किया गया है। तो फ्रंट से जैसे इस ट्रैक्टर की लुक देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको बम्पर देखने को नहीं मिलेगा जो कि आपको बाहर से अलग से लगवाना पड़ेगा। और ओवरऑल ट्रैक्टर की काफ़ी जो एक जानदार लुक इस ट्रैक्टर में आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद इस ट्रैक्टर का अगर फ्रंट से बोनट खोल के देखें दोस्तों, तो यहाँ पर सिंगल पीस बोनट का यूज़ किया गया है जो कि सिलेंडर्स के साथ ऊपर उठ जाता है। उसके बाद 88 एएच की यहाँ पर एक काफ़ी अच्छी बैटरी दी गई है और ड्राई एयर क्लीनर दिया गया है। तो ये ट्रैक्टर की बोनट खोलने के बाद लुक, एक साइड की बैटरी यहाँ पर इनबिल्ट की गई है दोस्तों और यहाँ पर ड्राई एयर क्लीनर देख सकते हैं। उसके साथ ही यहाँ पर 3 तरह के कूलिंग सिस्टम इस ट्रैक्टर के अंदर यूज किए गए हैं। दोस्तों अगर बोनट की बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो बहुत ही हैवी ड्यूटी यहाँ पर बोनट का यूज किया गया है ताकि कोई भी छोटी मोटी चीज अगर इसके ऊपर लग जाए तो इस बोनट का कुछ भी इस पर स्क्रैच वगैरह या डेंट वेंट नहीं पड़ेगा दोस्तों। तो काफी हैवी यहां पर बोनट यूज किया गया है जोंडियर की तरफ से। दोस्तों आपको बता दें कि ये ट्रैक्टर टर्बोचार्ज आता है और यहां पर इसका आप टर्बोचार्ज देख सकते हैं। यहां पर इसका ये टर्बोचार्ज दिया गया है दोस्तों, ट्रैक्टर में कंपनी फिटेड आता है। तो दोस्तों आपको कैसी लगी ये
जोंडियर 5504x4 की वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। कोई सवाल या सुझाव है तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा, हम आपका रिप्लाई देंगे। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।